Hello everyone, welcome to GitHub. In this video, we will discuss about the basics assumptions used in the strength of material. Okay? ये मेरा strength of material का second video lecture है, ठीक है? First video lecture में हम analysis किए थे strength of material का, ठीक है? कौन से topics हैं, उसके जो weightage हैं, उसके ऊपर. And हम यहाँ पे कुछ basics assumptions इसके previous videos में हम discuss किए थे. बाकी के जो assumptions यहाँ हैं, मैं इस video में आपको cover करने वाला हूँ, ठीक है? अभी तक आपने हमारे इस चैनल GitHub को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए. तो चलिए हम आगे के जो हमारे अजम्पशंस हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे इसका जो प्रीवियस वीडियो था उसको मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहूंगा, ठीक है? पहला हमारा जो यहाँ पे अजम्पशन था वो था मटेरियल इज कंटिन्यूअस. मटेरियल इज कंटिन्यूअस कहने का मतलब है कि कोई भी मटेरियल में कुछ क्रैक्स होंगे, कुछ डिफेक्ट्स होगा, कुछ वॉइड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है? तो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एनालिसिस में हम वो जो वॉइड्स क्रैक को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं. तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी मेरा मटेरियल है इट इज 100% कंटिन्यूअस, जो कि एक मेरा आइडियल केस है, ठीक है? सेकेंड जो इसमें हमारा जो एजम्पशन था वो था मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक, ठीक है? मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि मटेरियल होमोजेनियस और आइसोट्रॉपिक क्या होते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट मेरा यहाँ पे जो एजम्पशन है, ठीक है, वो है मेरा ऑर्थोट्रॉपिक एंड नेक्स्ट उसके बाद है मेरा इन आइसोट्रॉपिक. चलिए एक एक करके हम इन दोनों को देखते हैं, ठीक है? देखिए ऑर्थोट्रॉपिक कहने का मतलब है कि अगर मेरा ये मेरा मटेरियल है, ठीक है, ये मेरा कोई मटेरियल है, इस मटेरियल के किसी भी पॉइंट को हम सेलेक्ट करते हैं. सपोज अगर हम यहाँ पे किसी पॉइंट को सेलेक्ट किए, ठीक है, इस पॉइंट को सेलेक्ट किए, अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट के जो परपेंडिकुलर म्यूचुअली जो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, ठीक है? ठीक है, सपोज ये एक्स डायरेक्शन में इसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी, सपोज हम मान के चल रहे हैं सिग्मा स्ट्रेस अबाउट एक्स एक्सिस इज सिग्मा एक्स है, ठीक है, अबाउट वाई एक्सिस स्ट्रेस है सिग्मा वाई है, अबाउट जेड एक्सिस सिग्मा जेड, ठीक है? तो ऑर्थोट्रॉपिक कहने का मतलब है एट अ पॉइंट ऑन अ मटेरियल इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन और म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज डिफरेंट. याद रखना है यहाँ पे जो मटेरियल का जो प्रॉपर्टी होगा ऑर्थोट्रॉपिक में वो डिफरेंट होता है, ठीक है? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सिग्मा एक्स इज नॉट इक्वल टू सिग्मा वाई इज नॉट इक्वल टू सिग्मा जेड, ठीक है? यानी इस पॉइंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी मेरी प्रॉपर्टी होगी वो अगर डिफरेंट होगा, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ये ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल. ओके, अब देखिए जनरली जो मेरा ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल जो होता है वो मेरा सपोज इसमें हम मान के चलते वुड और प्लाईवुड, ठीक है, वुड और प्लाईवुड जो मेरा होता है वो जनरली ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल होता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में क्या होंगे, मटेरियल का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, ठीक है? तो इसमें एक हमारा यहाँ पे लाइन लिख लेते हैं, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑन अ मटेरियल, एट अ पॉइंट ऑन अ मटेरियल प्रॉपर्टीज, मटेरियल प्रॉपर्टी इज डिफरेंट एट राइट एंगल, ठीक है, और 90 डिग्री, यानी हर 90 डिग्री या म्यूचुअली परपेंडिकुलर में अगर हम क्या करेंगे प्रॉपर्टी चेक करेंगे वो प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, तो ये मेरा ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल हो गया, ठीक है? सिमिलरली अब यहाँ पे एक मेरा नेक्स्ट टाइप का मटेरियल है वो है मेरा एन आइसोट्रॉपिक, जिसको हम बोल देते हैं नन आइसोट्रॉपिक मटेरियल. नन आइसोट्रॉपिक मटेरियल होता है, ठीक है, वो होता है एट अ पॉइंट इन एवरी डायरेक्शन मटेरियल प्रॉपर्टी इज कंप्लीटली डिफरेंट. मटेरियल डिफरेंट, ठीक है, यानी अगर ये मेरा कोई एक मटेरियल है,
ठीक है, ये कोई एक मटेरियल सेलेक्ट कर लिए। अब इस मटेरियल पे कहीं पे हम एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट के हर डायरेक्शन में हम इसकी प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। इस डायरेक्शन की मैं बात कर लेता हूँ, इस डायरेक्शन की मैं बात करता हूँ, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, तो हर इसका डायरेक्शन में जो मटेरियल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, यानी अलग अलग होगा। सपोज यहाँ पे अगर हम स्ट्रेस की बात करें, इस डायरेक्शन में स्ट्रेस सिग्मा वन है, इस डायरेक्शन में स्ट्रेस सिग्मा टू है, इस डायरेक्शन में सिग्मा थ्री है, इस डायरेक्शन में सिग्मा फोर है, इस डायरेक्शन में सिग्मा फाइव, ठीक है। तो इस टाइप के हमारे जो भी मटेरियल होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, जो कि मेथड ऑफ सुपरपोजिशन से ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ओके, हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट अजम्पशन है वो है मेरा सेल्फ वेट, ठीक है। इसमें देखिए, जब भी हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो उसमें हम जो सेल्फ वेट होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। बट जब हम डिजाइनिंग के केस में आते हैं, आरसीसी के, स्टील स्ट्रक्चर के, तब हम क्या करते हैं, सेल्फ वेट को हम एक्सटर्नल लोड के फॉर्म में उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। यानी इनिशियली इट इज इग्नोर्ड, ठीक है, सेल्फ वेट को इनिशियली हम इग्नोर कर देते हैं, बट लेटर इट इज एडेड एज एक्सटर्नल लोड, ठीक है, बाद में हम इसको एक्सटर्नल लोड के फॉर्म में एड कर देते हैं और हम किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर को डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो एजम्पशन है वो है मेरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको हेडिंग हाय स्टार, क्योंकि बहुत बार आप प्रीवियस ईयर में कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है और ये मेरा वैलिड कब होता है, ठीक है। तो देखिए हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है अल्जेब्रिक सम ऑफ वेरियस पैरामीटर्स इज द रिजल्टेंट, ठीक है, कि हमारा अल्जेब्रिक सम होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर के, रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, जो सम होगा वो उसके रिजल्टेंट के बराबर होगा। यानी देखिए, अगर ये मेरा एक बीम है, ये मेरा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये मेरा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। इस बीम में मैं क्या कर रहा हूं, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है, होल स्पैन पे इसमें एक हमारा यूडीएल एक्ट कर रहा है। अब सिमल्टेनियसली यहां पे क्या करें, सपोज हम इस डायरेक्शन पे एक मेरा पॉइंट लोड भी डब्ल्यू एक्ट कर रहा है, ये हो गया स्मॉल डब्ल्यू पर मीटर, है ना, डब्ल्यू किलो न्यूटन का एक मेरा यहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बीम में जो मेरा टू टाइप्स के लोड एक्ट कर रहे हैं, पहला है मेरा यूडीएल एंड दूसरा है मेरा यहाँ पे पॉइंट लोड, ठीक है। तो सुपरपोजिशन के हिसाब से अगर हमको, अगर यहाँ पे हमको सेंट्रल पॉइंट पे अगर हमको डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम इस बीम को क्या करेंगे, दो पार्ट में हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। पहला पार्ट में हम क्या करेंगे, केवल यूडीएल को कंसीडर करेंगे, ठीक है। दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, केवल हम पॉइंट लोड को कंसीडर करेंगे, ठीक है, जो भी मेरा पॉइंट लोड यहां पे जो एक्ट कर रहा है, ठीक है। और इन दोनों के कारण क्या होगा, मेरा डिफ्लेक्शन होंगे अलग अलग लोडिंग के लिए। सपोज इसके कारण सेंट्रल पे जो मेरा डिफ्लेक्शन आया वो आ गया सपोज डेल्टा वन। अब हमारा पॉइंट लोड डब्ल्यू के कारण मेरा सेंट्रल पे जो लोड आया, ये डिफ्लेक्शन आया, वो सपोज मान रहा हूं लैम्डा, ये आपका डेल टू आ गया, ठीक है। तो हमारा अकॉर्डिंग टू सुपर प्रिंसिपल क्या बोलता है, कि अगर मेरा कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर मेरा कोई सिस्टम है, उसको हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग पार्ट में हम उसको ब्रेक करके, उसको हम एनालाइज करके, ठीक है, अल्जेब्रिक सम कर देंगे। जिस भी चीज हमको यहाँ पे निकालने के लिए बोला जाएगा, डिफ्लेक्शन निकालने के लिए बोला जा सकता है, आपको यहाँ पे रोटेशन निकालने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है, तो उसकी हम बाद में उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर मेरा इस बीम का अगर सपोज टोटल है मेरा डेल्टा डिफ्लेक्शन है इन दोनों लोड के कारण, तो अकॉर्डिंग टू सुपर प्रिंसिपल, ठीक है, मेरा डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। यही मेरा बोलता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी अल्जेब्रिक सम ऑफ वेरियस पैरामीटर इज द रिजल्टेंट, ठीक है, कि अल्जेब्रिक जो सम होगा मेरा डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर का वो किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट। यानी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा डिफ्लेक्शन डेल था,
ठीक है, अगर मैं इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ, केवल यूडीएल में डेल्टा वन आया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लोड को केवल मैं कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे डेल्टा टू आया, तो यहाँ पे जो टोटल डेल्टा होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। ठीक है, तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ओके, आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सुपर पोजिशन का हमारी वैलिडिटी कहाँ कहाँ पे होती है, और ये हमारा सुपर पोजिशन कहाँ पे फेल करता है। ठीक है, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन है वो वहां से पूछे जाते हैं। ओके, तो मेरा यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का दो हमारे यहाँ पे मेन जो इसके लिमिटेशन है। ठीक है, ये काफी इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, आपको अगर एसी वगैरह में क्वेश्चन पूछना रहेगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये ना पूछेगा कि व्हाट इज सुपरपोजिशन, आपको यहाँ से पूछा जाएगा लिमिटेशन ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। चार स्टेटमेंट आपको दिए रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला जो इसका लिमिटेशन है, लोड मस्ट बी इन प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, यानी जो लोड हम अप्लाई करेंगे दैट शुड मस्ट बी इन प्रोपोर्शनल लिमिट, दैट्स व्हाई हमारा जो लोड होगा, ठीक है, और जो मटेरियल है वो मेरा हुक्स लॉ ऑबे करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो हुक्स लॉ मेरा कहां तक ऑबे करता है, वो प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही ऑबे करता है। ठीक है, बहुत जगह पे ये बोलते हैं लोग कि हुक्स लॉ अप टू इलास्टिक लिमिट तक ये क्या होता है, वैलिड होता है, बट ऐसा गलत है। ठीक है, हुक्स लॉ केवल आपका प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही क्या होता है, वैलिड होता है। ठीक है, सेकेंड वन, डिफ्लेक्शन इज वेरी वेरी स्मॉल, और या फिर डिफॉर्मेशन इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर में अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन यूज करेंगे, ठीक है, तो जो भी मेरा डिफॉर्मेशन होगा उस बॉडी में ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग कंडीशंस, ठीक है, तो उसका ये हो जाएगा वो काफी स्मॉल होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, सुपर पोजिशन को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं वेयर सुपर पोजिशन इज नॉट वैलिड। ठीक है, यहाँ तक हम देखेंगे कि इसकी लिमिटेशन क्या है, तो हम देखेंगे कि सुपर पोजिशन को हम कहाँ कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। जनरली जो मेरा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का यूज हम डीप बीम में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम जनरली डीप बीम में सुपर पोजिशन का यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, इसका नॉन सर्कुलर मेंबर सब्जेक्टेड टू टॉर्सन, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सुपर पोजिशन का हम यूज नहीं कर पाएंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का। रीजन कि अगर मेरा जो नॉन सर्कुलर मेंबर होता है, अगर हम उसमें टॉर्सन अप्लाई कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, ट्विस्टिंग और बेंडिंग दोनों यहाँ पे अकर हो जाता है। सपोज दैट जो हम जो आपको टॉर्सन पढ़ाएंगे, तो बेसिकली हम यहाँ पे जो बात करेंगे टॉर्सन का, वो सर्कुलर हॉलो शाफ्ट की बात करेंगे या फिर सर्कुलर सॉलिड शाफ्ट की बात करेंगे, ना कि हम यहाँ पे कोई रेक्टेंगुलर शाफ्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर सपोज दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर ठीक है एक मिनट यहाँ पे देखिए, अगर कोई मेरा नॉन सर्कुलर, अगर ये मेरा रेक्टेंगुलर कोई शाफ्ट है, अगर इसमें हम क्या करते हैं, टॉर्सन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इधर से टॉर्सन अप्लाई कर देते हैं, इधर से अगर हम टॉर्सन अप्लाई करते हैं, ये क्या होगा ना, इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसमें वार्पिंग हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, यहाँ पे सुपर पोजिशन का यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, मस्ट बी इन, ये लोड मस्ट बी इन प्रोपोर्शनल लिमिट, ओके, एंड द डिफ्लेक्शन इज वेरी वेरी स्मॉल, एंड वेयर टू वेयर सुपर पोजिशन इज नॉट वैलिड। ठीक है, जनरली हमारा नॉन सर्कुलर मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू टॉर्सन, ठीक है, सर सुपर पोजिशन इज नॉट वैलिड, एंड डीप बीम में भी इसका जो है वैलिडिटी नहीं होती है सुपर पोजिशन का। ठीक है, तो यहाँ पे सुपर पोजिशन खत्म होता है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे देखेंगे संत वेनांस इक्वेशन क्या होता है और संत वेनांस प्रिंसिपल क्या बोलता है। ठीक है, ये भी क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो लास्ट हमारा एजम्पशन है वो है मेरा संत वेनांस प्रिंसिपल। ठीक है, हम जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में संत वेनांस प्रिंसिपल इज वैलिड। ठीक है, संत वेनांस प्रिंसिपल वैलिड होता है। देखिए संत वेनांस प्रिंसिपल होता क्या है, सपोज दैट अगर ये मेरा कोई बॉडी है, अगर ये मेरा कोई बॉडी, अब हम क्या करते हैं, अगर इस बॉडी पे हम यहाँ पे देखिए कुछ हम लोड अप्लाई कर देते हैं, अगर हम यहाँ पे कोई लोड डब्ल्यू अप्लाई कर दें, तो इस लोड के कारण जो यहाँ पे मेरा स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या फिर अगर हम इस पॉइंट पे यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे स्ट्रेस कंसंट्रेशन, तो कुछ स्ट्रेस का वेरिएशन इस टाइप से होता है। ठीक है, यानी कि जहां पे भी मेरा यहाँ पे देख सकते हैं कि जहां पे मेरा जो लोड एक्ट करेगा, लोड के जो जस्ट नीचे वाला पॉइंट में होगा उसमें क्या होगा, जो मेरा स्ट्रेस कंसंट्रेशन है वो काफी ज्यादा हाई होगा। ठीक है, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तब। ठीक, अब हम देखिए सिमिलर, अगर हम इसको क्या करते हैं, कुछ नीचे पॉइंट पे हम देखेंगे कि मेरा स्ट्रेस कितना मिल रहा है। ठीक है, अगर ये मेरा सेम बीम है,
सेम लोड है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम चेक करते हैं, सपोज हम एक सेक्शन यहाँ से यहाँ कट कर लिए एक्स एक्स सेक्शन स्क्रीन का। अब हम यहाँ पे चेक करके देखेंगे कि मेरा यहाँ पे स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है ड्यू टू दिस लोड। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो मेरा कुछ स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कुछ इस प्रकार से होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट लोड के जितने हम दूर जा रहे हैं यानी स्ट्रेस का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है उतना कम होता जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या था, ज्यादा था, काफी ज्यादा था। यहाँ पे आते आते ये क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सपोज दैट ये मेरा बी है, ये मेरा ब्रिज है। अब हम यहाँ पे सेम बीम लेंगे, सेम लोड रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक सेक्शन इससे और यहाँ पे, सपोज हम यहाँ पे एक सेक्शन ले रहे हैं, ये जो सेक्शन का डेप्थ है ना, ये जो डी है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, और इसका अगर बी विड्थ है, ठीक है, विड्थ ऑफ द बीम, तो अगर मेरा ये जो डिस्टेंस है डी, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे देखेंगे, तो यहाँ पे मेरा स्ट्रेस का वेरिएशन कुछ इस प्रकार से लीनियरली हो जाता है। तो आपको यहाँ से संत वेनांस प्रिंसिपल यही बोलता है कि कोई भी जो मेरा लोड लगा रहेगा किसी भी स्ट्रक्चर में, उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लोड, हम वहां पे अगर स्ट्रेस की चेक करेंगे तो वहां पे जो स्ट्रेस होगा वो मेरा कंसंट्रेटेड होता है स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस काफी ह्यूज अमाउंट में होता है। ठीक है, तो अगर मेरा देखिए इसका मेन यहाँ पे जो मतलब है कि इस लोड के नीचे स्ट्रेस का कंसंट्रेशन होने से क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एफ 250 की, ठीक है, 250 ग्रेड का अगर हम स्टील की बात करते हैं तो उसका यील्ड स्ट्रेस कितना है, 250 मेगापास्कल। ठीक है, तो ड्यू टू मेरा स्ट्रेस कंसंट्रेशन वो अगर मेरा मटेरियल है वो 250 से भी पहले क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो सकता है ड्यू टू द स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो हम किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर में ये कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस जो मेरा कंसंट्रेशन होगा उसको हम अवॉइड करें, अदरवाइज वो मेरा यील्ड स्ट्रेस के पैरामीटर यानी यील्ड स्ट्रेस से पहले ही क्या होगा, मेरा स्ट्रक्चरल मेंबर वो फेल कर सकता है। ठीक है, तो देखिए हम स्ट्रक्चरल मेंबर में क्या करते हैं जनरली, ये मेरा सेम बीम था, अगर हम यहाँ पे एक स्लैब अगर हम बैठा देते हैं, ठीक है, अगर हम इस प्रकार से अगर एक कोई ऊपर कोई एक मेंबर थ्रेडेड टाइप का कुछ अगर हम बैठा देते हैं मेंबर, ठीक है, और हम इस पे क्या करते हैं, अगर हम लोड अप्लाई कर दे रहे हैं, सेम लोड हम अप्लाई करेंगे सेम डे, ठीक है ना, तो इसमें अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा संत वेनांस प्रिंसिपल। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक ये चीज, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपको बोलेगा कि ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो आपका एल्ड स्ट्रेस किसी मटेरियल का दिया रहेगा और उसमें पूछेगा कि ड्यू टू कंसंट्रेशन, ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन आपका मटेरियल उस जो परमिसिबल लिमिट दिया रहेगा इससे पहले फेल कर सकता है या नहीं कर सकता, तो हाँ ये फेल कर सकता है जब मेरा उस मटेरियल में स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द संत वेनांस प्रिंसिपल, और यहाँ पे मेरा एजम्पशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल खत्म होता है। ठीक है, तो आई होप मैं यहाँ तक आपको सारे चीज में क्लियर करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उस पर हम नॉर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ये तो मेरा बेसिक फंडामेंटल था, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितने भी मैंने आपको पॉइंट डिस्कस किया वो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय।